नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी और आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर हमेशा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का इस तरह का ऐसा रूप पहले किसी ने नहीं देखा होगा। जो हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में विपक्ष द्वारा पर्ची खर्ची के आरोप पर देखने को मिला। दरअसल मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान से बहस के दौरान जवाब दे रहे थे। सीएम ने अपनी जेब से गीता निकाली और कसम खाई कि नौकरियों में भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी स्तर पर कोई भी अधिकारी संलिप्त पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। अब सवाल यह कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो सीएम को इस तरह की कसम खानी पड़ी और क्यों? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार भ्रष्टाचार पर गीता की सौगंध का सियासी नफा नुकसान क्या होगा, इसके मायने क्या हैं, क्या वाकई में विपक्ष को करारा जवाब मिलने वाला है, क्या ठोस कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, क्या सीएम मनोहर लाल की इस कसम के बाद हरियाणा के अधिकारियों की शामत आएगी, साथ ही इसका फायदा विधानसभा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। इसी खबर पर हम करेंगे अपने पैनल के साथ चर्चा। हमारे साथ सहयोगी हमारे मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ पानीपत से हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेन सोनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए आखिर समझिए कि सदन में हुआ क्या और सीएम ने शपथ कसम जो खाई थी सदन के दौरान गीता को निकालकर वो आखिर क्यों खाई, पहले रिपोर्ट देखिए। संगठन से सरकार में आए और पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बने सीएम मनोहर लाल पिछले 9 साल के कार्यकाल में इतने भाव विभोर और संकल्पित कभी नजर नहीं आए जितना विधानसभा में किसी फिल्म के हीरो की माफिक कि लो मैं गीता हाथ में लेकर सौगंध खाता हूँ कि अगर ये बात सच हुई तो मैं दोषी पाए गए अफसर को बर्खास्त यानी हमेशा के लिए नौकरी से बाहर कर दूंगा। मुख्यमंत्री के इस अंदाज ने यकीनन प्रदेश की 3.25 करोड़ की जनता और सियासत में बदनाम हो चुके राजनीतिकों से इतर उनकी छवि को निखारा है। दरअसल विधानसभा में कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने एचपीएससी की भर्तियों में खर्ची पर्ची चलने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने को कहा। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने जब ये कहा कि आप तो गीता के प्रशंसक हैं और दूसरों को गीता पढ़ने की सलाह देते हैं, क्या आप ये जांच करा सकते हैं, इस बात को सीएम ने दिल पर ले लिया और फिर जेब से पॉकेट नुमा गीता निकाल कर उस पर हाथ रखकर किसी फिल्म के हीरो की तरह बोले लो मैं सुगंध खाता हूँ। मैं गीता पर हाथ रख के सुगंध खाता हूँ, अगर उस एपिसोड में कोई भी अधिकारी फंसेगा उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा, इसके लिए कोई गीता को बैठो कादियान साहब बैठो। गौरतलब है कि इस मामले में दो अफसरों की चैटिंग की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें रिजल्ट को बदलने की बात कही जा रही है। ये मामला रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद विधानसभा में कांग्रेस ने उठाया है। गौरतलब है कि 2021 में HCS एलाइड और डेंटल सर्जन की भर्ती में गड़बड़ियां सामने आई थी। HPSC के तत्कालीन उप सचिव HCS अधिकारी अनिल नागर को स्टेट विजिलेंस ने जांच के बाद उनके दफ्तर से ही उन्हें 84 लाख की नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। बाद में भर्तियों में करोड़ों के लेन देन के आरोप भी लगे थे। अनिल नागर जेल भी गए, बाद में सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। अब विधानसभा में गड़बड़ियों का मामला उठने और सीएम को गीता का वास्ता देने पर मुख्यमंत्री ने जेब से गीता निकालकर जबरदस्त अंदाज में ऐलान कर दिया लो मैं गीता हाथ में लेकर सौगंध खाता हूँ कि इस मामले में कोई भी अफसर दोषी पाया जाता है तो उसे बर्खास्त कर दूंगा। सीएम के इस अंदाज को देखकर सदन में सन्नाटा छा गया। अब सवाल ये है कि अगर अफसर दोषी पाया या पाए जाते हैं तो क्या सीएम ऐसा कर दिखाएंगे? हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो मुख्यमंत्री ने गीता निकाली और सदन में सौगंध खाई है कि अगर कोई भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है
तो बर्खास्त किया जाएगा, एक कड़ा जवाब दिया है महेश। इस जवाब के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष तो निशब्द हो गया, लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई जो मुख्यमंत्री को गीता निकालनी पड़ गई और उस पर हाथ रखकर सदन में कसम खानी पड़ी। देखिए सौरभ, मैं तो जरूर यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करूंगा। हरियाणा वो प्रदेश है जहां पर मंदिरों में चढ़कर, मंदिर की सीढ़ी चढ़कर बड़े से बड़े कत्ल तक के फैसले कर दिए जाते हैं। पंचायत इस बात को कबूल कर लेती है कि अगर आप मंदिर में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं तो चाहे गलत भी अगर कही गई हो, मंदिर में खड़े होकर अगर कोई बयान दिया जाता है, पंचायत के सामने कोई अगर अपना पक्ष रखा जाता है तो उसे सही मान लिया जाता है। गाय की पूछ पकड़कर बड़े से बड़े फैसले हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोर्ट तक में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद अगर कोर्ट उस बयान पर यकीन करती है तो मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर अपनी जेब से गीता निकालकर सदन में अगर कसम खाकर कुछ भी बयान देते हैं तो यकीनन उनके बयान पर फिर यकीन किया जाना चाहिए था। लेकिन मैं यहां पर मुख्यमंत्री जी से इसी सब का बात और जोड़ने की कोशिश में यहां पर कर रहा हूं, तो फिर क्या हरियाणा में कोरोना काल में जो शराब घोटाला हुआ था उसको लेकर भी मुख्यमंत्री गीता पर हाथ रखकर कसम ये खा सकें कि शराब कांड के दोषियों को वो नहीं बख्शेंगे? फिर कोरोना काल के दौरान ही जो बड़ा रजिस्ट्री घोटाला हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला था, क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस रजिस्ट्री घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर ये कह सकते हैं कि उस घोटाले के दोषियों को भी वो नहीं बख्शेंगे, फिर चाहे वो घोटाले के पीछे कितना भी बड़ा अफसर हो या कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो? तो मुझे लगता है कि हर घोटाले के पीछे, हर भर्ती के पीछे, हर पेपर लीक के पीछे मुख्यमंत्री को शपथ लेनी पड़ेगी। एक के बाद एक 19 से ज्यादा, 20 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, लेकिन पेपर लीक किस वजह से संभव हुआ, कौन लोग इसके पीछे थे, इक्का दुक्का जो निचले स्तर पर टेक्निकल छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं उन्हें जरूर गिरफ्तार किया गया, लेकिन पेपर लीक क्या नीचे सिर्फ टेक्निकल छेड़छाड़ से संभव है? ऊपर कौन इस पेपर लीक की पूरी कार्यवाही में शामिल था, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और एक के बाद एक 19 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, 21 से ज्यादा घटनाओं को, पेपर लीक की घटनाओं को हरियाणा प्रदेश में अंजाम दिया गया, क्या उन घटनाओं के दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए मुख्यमंत्री गीता पर हाथ रखकर शपथ खाएंगे? मुझे लगता है कि कदम तो अच्छा है, यकीन करने लायक है, लेकिन एक के बाद एक इतने सारे घटनाक्रम हरियाणा प्रदेश में हुए हैं, मुझे लगता है कि फिर मुख्यमंत्री जी को सिलसिलेवार इन तमाम घटनाओं के, इन तमाम घोटालों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ेगी। बिल्कुल देवेंद्र, महेश जिस तरीके से कह रहे हैं तमाम घोटाले हैं, डेंटल सर्जन घोटाला भी है, रजिस्ट्री घोटाला भी है, शराब घोटाले का भी जिक्र किया गया और एचवीएससी भर्ती घोटाला भी है, अनिल नागर को गिरफ्तार किया गया जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में भी देखा। ऐसे में ये तमाम घोटाले जो हैं उसके आधार पर क्या कार्रवाई आने वाले समय में और ठोस होगी, क्या कोई बड़ा कदम देखने को मिल सकता है? क्योंकि कसम तो खाई गई है तो जाहिर सी बात है आप सब लोग अगले कदम का इंतजार करेंगे कि अगला परिणाम देखने को मिले, कोई ठोस कार्रवाई हो। देखिए सौरभ, मेरिट पर नौकरी, ये मेरे को लगता है बहुत बड़ा एक नारा है बीजेपी ने जो दिया था सरकार बनने से पहले और सरकार के बाद। अक्सर मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि किसी भ्रष्ट अधिकारी को, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से अक्टूबर 2014 में जब सरकार बनी थी पहली बार, तो अगले ही महीने, जैसे एक महीना छोड़ के दिसंबर 25 का दिन था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है 25 दिसंबर को, एक डेढ़ महीने में ही उन्होंने ये कह के एक ऑनलाइन सेवा शुरू की थी कि तहसीलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। और मुख्यमंत्री ये कहते भी हैं कि जब हमारी सरकार नहीं थी मुझे लगता था कि तहसीलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसी वजह से ऑनलाइन जो सेवाएं शुरू हुई थी हरियाणा में, सबसे पहले तहसीलों की रजिस्ट्री में इस सेवा को दिया गया था और उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग भी हुई थी, बाकी सरकारी सेवाएं बाद में आई। तो मेरिट पर नौकरी मिलेगी ये अक्सर मुख्यमंत्री और सरकार में बैठे लोग कहते रहे हैं, लेकिन जब पहली बार 2014 में सरकार बनी थी, एचएसएससी जिसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, जो सी और डी ग्रुप की मतलब भर्ती करती है, क्लेरिकल, पटवारी, सिपाही, तो इस तरह की जो भर्ती होती है, पहला जो आयोग बना था भर्ती आयोग, मेरे को याद है पहली सरकार में थोड़े दिन में ये आया था कि भारत भूषण भारती चेयरमैन थे उस कमीशन के, जो तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती करती है। एक ऑडियो वायरल हुआ था उनके बेटे का पेहवा में कि कोई नौकरी के सिलसिले में, हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि नौकरियों को लेके ये सारी
बातचीत हो रही थी। उसके बाद जो एसएससी के तत्कालीन चेयरमैन थे भारतभूषण भारती, बड़े नेता हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, बीजेपी में अभी भी उनकी एक अहमियत है इस सरकार में, तो उसके बाद उनका इस्तीफा लिया गया, लेकिन जांच के बाद फिर उनको क्लीन चिट दी गई, उनको रीइंस्टेट बहाल किया गया था। उसके बाद हमने देखा एचपीएससी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो एचसीएस की भर्ती करती है, क्लास वन क्लास टू का भर्ती आयोग है, अनिल नागर थे डिप्टी सेक्रेटरी एचसीएस अफसर थे, 2021 का ये सारा संदर्भ है जिस मामले में ये विधानसभा में चर्चा हुई। 2021 में ये चीजें सामने आई थी कि डेंटल सर्जन दंत चिकित्सक जो सरकारी अस्पतालों में होते हैं उनकी भर्ती हुई, तो एचसीएस एलाइड एससी के जो अतिरिक्त पोस्टें होती है, जो सहायक पोस्टें जैसे बीडीपीओ होते हैं, डीएसपी की भर्ती होती है, एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, इस तरह की एलाइड सर्विस होती है। तो 2021 में जो भर्तियां हुई थी उस वक्त कुछ विजिलेंस ने अंदरूनी तौर पर जांच की थी, सरकार के पास कुछ शिकायतें आई थी, विजिलेंस ने तब डिप्टी सेक्रेटरी एचसीएस अनिल नागर थे जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनके ऑफिस में रेड की थी, उनको क्योंकि पूरी जांच हो चुकी थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही थी, उसी आधार पर मुख्यमंत्री से परमिशन लेने के बाद ये रेड हुई थी। अनिल नागर को गिरफ्तार किया गया था उन्हीं के दफ्तर में, और तब 84 लाख रुपए की नकदी उनके ऑफिस से बरामद हुई थी। उसके बाद केस आगे बढ़ा, फिर जैसे मामला खुला बड़े केस आए करोड़ों रुपए के लेन देन के, ये मामला बहुत हाइप ले गया था। तब सरकार ने क्योंकि जेल चले गए थे अनिल नागर 2021 में, जब डिप्टी सेक्रेटरी एचपीएससी थे, जेल जाने के बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है सर विभागीय वो हुई, उनको सस्पेंड किया गया, बाद में उनको टर्मिनेट किया गया, जिसको हम अंग्रेजी में बर्खास्त कहते हैं, हिंदी में टर्मिनेट मतलब हमेशा के लिए सेवाएं समाप्त कर दी गई, जबकि सस्पेंशन का मतलब यह होता है कि जांच चलती है, जांच में दोषी पाया गया तो कार्रवाई होती, नहीं तो उसको बहाल किया जाता है। तो डिप्टी सेक्रेटरी को जब बर्खास्त किया गया, इसकी जांच चल रही थी, वो 2021 का मामला है जो बाद में लगातार आरोप लगते रहे हैं, जो लोग मेरिट में नहीं आए, जो ज्यादा काबिल थे, जो ये मानकर चल रहे थे कि हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए थी, ये केस हाई कोर्ट में भी गया था। तब वो ये मामला था जिसमें रघुवीर सिंह कादियान जो कई बार के विधायक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सदन में ये कहा कि आप गीता की बात करते हो, गीता पढ़ने की बात करते हो, आज तक जांच तो हुई नहीं, जैसा महेश जी कह रहे कि बहुत सारे घोटाले हुए, जैसा विपक्ष कहता था धान घोटाला हुआ, माइनिंग का भी घोटाला हुआ था बहुत बड़ा, जिसका जिक्र नहीं हुआ शायद, माइनिंग घोटाला, धान घोटाला, बहुत सारी चीजें हैं कि महेश जी जैसा कह रहे कि उनकी जांच भी निष्पक्ष हो, कार्रवाई हो, एक्शन हो, उसके लिए भी तो कसम खानी चाहिए। खैर इनकी बात है, लेकिन 2021 का ये मामला था जिसका संदर्भ विधानसभा में आया, और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से रघुवीर सिंह कादियान ने कहा कि आप तो गीता पढ़ते हो, गीता की बात करते हो, लोगों को नसीहत देते हुए गीता पढ़नी चाहिए, आप तो गीता के प्रशंसक हो, आप क्यों नहीं जांच करते मामले की, तब लगता है मुख्यमंत्री ने इस मामले को दिल पर ले लिया और गीता निकाली, एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में उसपे जैसे हम फिल्मी स्टाइल में देखते हैं, कोई फिल्मों में भी होता है कि हम गीता की सुगंध खाते, आपने देखा होगा फिल्मी में जो देवेंद्र, सवाल यही है कि जो जो कसम खाई है उसके राजनीतिक मायने कितने होंगे, कितना नफा नुकसान होगा, क्योंकि अमूमन माना जाता है कि गीता पवित्र ग्रंथ है, उस पर हाथ रखकर कोई कसम बेवजह नहीं खाता। न्यायालयों की कार्रवाई में भी हमने देखा, विधिक कार्रवाई में भी गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग्स बढ़ती हैं। वीरेन जी, ये जो कसम खाने का जो फैक्टर है हमने देखा है, केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर में भी कई बार खाई गई है कसम, और जनता उस पर क्या भरोसा ज्यादा करती है इसलिए कसम खाई गई है। इस पूरे प्रकरण में जो मुख्यमंत्री ने कसम खाई है, क्या यह माना जाए कि यह मैसेज विपक्ष को देने के लिए था? हालांकि रघुवीर कादियान कसम खाने के बाद मुख्यमंत्री के चुपचाप बैठ गए थे सदन में, उनसे कहा गया था कि कादियान साहब आप बैठ जाओ, लेकिन क्या यह मैसेज सिर्फ विपक्ष के लिए था, जनता के लिए था या उन अधिकारियों को था, और आने वाले समय में कार्रवाई होगी किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो ये गीता पर शपथ ली है, देखिए एक विशेष संदर्भ में थी, एक विशेष संदर्भ में जब ये मामला आया तब उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि देखिए आज उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट किया, आज हालांकि अभय चौटाला ने उन पर चुटकी भी ली थी भी आप जो गीता की कसम खाते हो ये तो कोर्ट में ली जाती है, गीत में जब गवाही होती है कोर्ट में तब कहा जाता है, तो उन्होंने खड़े होकर सदन में स्पष्ट किया। ये उस विशेष मामले में थी जब रघुवीर कादियान जी ने एक अधिकारी की चैट के बारे में जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि आप गीता के प्रेमी हो, गीता के उपासक हो, तब उन्होंने किया था, और उन्होंने स्पष्ट किया ये उस संदर्भ में थी। हालांकि वो शपथ तो पहले ले चुके हैं, संकल्प लिया जाता है जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाती है तब भी कहा जाता है, और मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही
जो पुलिस अधीक्षक थे, जिलाधीश थे, सबको ये शपथ लाई थी सार्वजनिक रूप से अपने अलग अलग जिला प्रवास के दौरान कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। तो इस तरह की बातें तो पहले से, हालांकि देखिए ये कहा गया कि अन्य मामले भी हैं उन पर भी कसम खाने हैं, तो ये कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो एक मामले की विशेष मामले के प्रसंग में था, ये अन्य मामलों के लिए तो इसका अपवाद ही है। देखिये मुख्यमंत्री के बारे में उनकी नीति और नियम स्पष्ट है, हालांकि देखिए कई बार लोगों को अभी भी लगता है खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी मिल सकती है, ऐसा लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन जिनको बिना खर्ची और बिना उसके खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी मिली है वो उसका बड़ा उदाहरण है। आज कभी भी लोग कई ऐसा जिक्र करते हैं, एक किसी बता रहे थे कि किसी परिचित का फोन आया कि दो दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, कोई आपका कोई संपर्क है, उन्होंने कहा भी दो दिन में आपका इंटरव्यू है, अगर आप पहले कहते तो कोई जुगाड़ करते, कोई सिफारिश ढूंढते, अब दो दिन में क्या हो सकता है। तो दो दिन के बाद फिर उनका फोन आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उन्होंने कहा कमाल की बात है, कहते हम तो घर बैठ गए थे, हमने कोई सिफारिश ढूंढी नहीं, हमारा तो अपने आप ही काम हो गया। मतलब जिन लोगों का काम हो जाता है वो मानते हैं वास्तव में ना खर्ची ना पर्ची, इस तरह से उनका काम होता है। लेकिन अन्य लोगों में भी ये धारणा है, दूसरे जो लोग हैं शायद कोई सिफारिश चलती है, कई पहुंच होती है, लेकिन जिन लोगों को इसके लाभान्वित होते हैं वो लोग सरकार का गुणगान करते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत निजी उनके अपना वो छवि का संबंध है, वो इस मामले में बड़े कठोर है, अपने चाहे उनके परिवार का हो, उनके परिवार का कोई भी सदस्य जो है, हालांकि उन्होंने अपना परिवार छोड़ रखा है, फिर भी जो उनके परिजन है ना उनके पास पटकते हैं, ना उनके निवास पर पटकते हैं, ना उनके काम के लिए होते हैं, और इस तरह के कई प्रसंग हैं, तो इसलिए माना जाए कि मुख्यमंत्री जी की छवि तो अपने आप में स्पष्ट है। लेकिन सरकार में कई ऐसे विषय बनी हुई हैं जो पहले से चली आ रही हैं, उनका लोग लाभ भी उठाते हैं, जिससे सरकार की छवि खराब होती है, लोगों में संदेह भी पैदा होते हैं, अनियमितताएं होती हैं, भ्रष्टाचार कई मामले जो हैं आज विधानसभा के अंदर अभय चौटाला जी ने भी उठाए हैं और जगबीर मलिक जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने भी उठाए हैं। तो अभय चौटाला जी ने कहा कि जितने नगर निगम है उनमें कई भ्रष्टाचार है, उन्होंने अपने गृह मंत्री अनिल विज से पूछा था कि भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन की जो दर है 47.5% है, काफी मामले दर्ज हुए उन पर कार्रवाई होती है। जब अभय चौटाला मामले गिनाने लगे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तरह की तो शिकायतें तो कई तरह की होती हैं, और अनिल विज ने भी स्पष्ट किया कि हम लोग कार्रवाई करते हैं इसलिए मामले ज्यादा आते हैं, सरकार की नीति स्पष्ट है। देखिए विपक्ष का अपना काम है, वो सरकार के जितने भी मामले आते हैं भ्रष्टाचार के हमको उजागर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सफलता अवश्य मिली है, लेकिन मामले इतने ज्यादा है। जो जगबीर मलिक ने पूछा था कि आप मुझे 6 ऐसे विभाग बता दिए जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, कोई ऐसा बताने की स्थिति नहीं, हर विभागों में भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, तो सरकार को तो समय लगेगा, व्यवस्था परिवर्तन में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन सरकार के प्रयास जो ईमानदारी के साथ हुए, जो मुख्यमंत्री की शपथ थी, देखिए ये मामले भावुकता की थी, बिल्कुल सरकार अपने कार्रवाई करने से किसने रोका, आप बिठाए किस लिए गए, अगर आपको मुख्यमंत्री का पद मिला है प्रमुख सेवक की भूमिका में, तो आप कार्रवाई के लिए तो बिठाया गया आपको, बिल्कुल आप कार्रवाई करिए, कार्रवाई करने से किसने रोका है, और आपको इसके लिए शपथ लेने की आवश्यकता क्या है, वो तो एक भावुक अंदाज था, उस भावुक अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मुख्यमंत्री अन्य जो मामले आ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार को उनका जनता को जवाब देना ही है, उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो विपक्ष हमलावर भी है। और जो नौकरियों में जितनी तरह की बात है, निश्चित रूप से सरकार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठते हैं, कुछ अधिकारी उसमें संलिप्त रहे हैं, उनपे पेपर लीक मामले में रहे हैं, तो इसलिए ये जो है उसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था में छेद है, उस व्यवस्था में छेद जो है जो मुख्यमंत्री की नीति है उसको पलीता लगता है। बिल्कुल वीरेन जी, और ये जो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इस बात का मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं सदन के अंदर से कि वो पूरी तरह से सख्त हैं, कार्रवाई की जा रही और आगे भी होगी। महेश, पर्ची खर्ची के आरोप लगभग सरकार पर हमेशा विपक्ष लगाता रहा है, प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, पीपीपी की बात हो, और घोटालों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, नशाखोरी की बात हो, हमलावर रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, इन तमाम मुद्दों को अगर देखा जाए तो ये मुद्दा जो अब सदन के अंदर आज उठा है, इस मुद्दे पर अगर नफा नुकसान की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में इसका, विधानसभा चुनाव में आगामी कितना फायदा कितना नफा नुकसान सत्ता पक्ष और विपक्ष को होते देखा जा सकता है। देखिए सौरभ, इतना तो जरूर मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हिंदुत्व और सनातन की जो विचारधारा को लगातार पोषित करने की कोशिश करते हैं, और
वो जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं गीता पर हाथ रखकर अगर मुख्यमंत्री कसम खाते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री की बात पर यकीन करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि धर्म की राह पर चलने वाला मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फायदा तो सनातनी होने के नाते जरूर यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा के साथ पूरी राजनीतिक जो परिक्रमा है वो रचने का काम करती है, तो ऐसे में कम या ज्यादा, और हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो ज्यादा जो आबादी है वो हिंदुओं की है, तो ऐसे में गीता पर हाथ रखकर अगर शपथ ली जाती है तो यकीनन धर्म में आस्था मुख्यमंत्री की इससे प्रदर्शित होती है। भगवान से डरकर रहने वाले लोग कभी गलत रास्ते पर नहीं चलते, कभी किसी का हक नहीं छीनते, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। वो ये मानते हैं कि अगर किसी की भी आत्मा अगर दुखती है तो जरूर परमात्मा उससे नाराज होता है, तो ऐसे में धर्म में आस्था रखने वाले लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठकर अगर कोई व्यक्ति गीता पर हाथ रखकर कसम खा रहा है तो जरूर वो भगवान से डरकर ही अपना हर फैसला करता होगा। तो धर्म की आस्था रखने वाले जो लोग हैं वो यकीनन यहां पर मुख्यमंत्री के साथ कनेक्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कम या ज्यादा फायदा जरूर होगा। चुनावी मोड में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री के चाहे भावुकता में ही उठाया गया ये कदम हो, लेकिन मुख्यमंत्री को इसका फायदा जरूर मिलेगा। देवेंद्र, महेश ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री को फायदा आने वाले समय में एक धार्मिक भावना की जो बात है उसके तहत मिल सकता है, लेकिन हरियाणा में हर धर्म जाति विशेष का व्यक्ति रहता है, ऐसे में सभी को साथ लेने की बात जो सीएम हर बार कहते रहे हरियाणा एक हरियाणवी एक, उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए सौरभ, जब ये घटनाक्रम हुआ है विधानसभा में, जब मीडिया की ये सुर्खियां बनी हुई थी आज हमने देखा, मेरे को लगता है जो घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री ने जिस जोश के साथ, जिस बड़े आत्मविश्वास के साथ, एक ऐसा एक हीरो की भूमिका में मुख्यमंत्री नजर आए जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, उन्होंने वो कसम खा ली जो कोई आसानी से नहीं खा सकता। और जिस तरीके से उनके ये कहने के बाद कि मैं सुगंध खाता हूं, अगर आपके आरोपों में दम है तो कोई भी अफसर हो या कितने अफसर हो उनको बर्खास्त करूंगा, मुख्यमंत्री का संकल्प देखकर, उनके अंदाज को देखकर सन्नाटा छा गया पूरी विधानसभा में। अगर सन्नाटा छा गया तो आप समझ लीजिए कि जो लोग मौजूद थे, चाहे वे विधानसभा अध्यक्ष थे, विधायक थे, मंत्री थे या कोई और दर्शक दीर्घा में भी थे, सब मतलब सन्नाटा छा गया। उनको ये लगा कि मुख्यमंत्री होकर इस तरीके बेखौफ होकर ये बात कह सकते हैं कि मैं गीता की शपथ लेता हूं। गीता की शपथ कोई आसानी से नहीं लेता, जो कर सकने की क्षमता रखता हो, करना चाहता हो, वो इतनी बड़ी बात कर सकता है। तो मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद जब सन्नाटा छा गया तो किसी के लिए कुछ कहने को नहीं बचा था। एक मेरे को याद आता है 1990 में जब राम मंदिर के लिए गुजरात से यात्रा निकली थी, अडवाणी जी लेकर निकले थे और वहां कसम खाई गई थी, जब यात्रा निकली थी अयोध्या पहुंची थी, कसम राम की खाते हैं मंदिर यही बनाएंगे, ठीक है, वो कसम राम की खाते हैं मंदिर तो ये माना जाए कि बिल्कुल देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो कर दिखाएंगे, उन पे भरोसा करना होगा और अन्यथा नहीं लेना चाहिए इन चीजों को, भले विपक्ष हो चाहे आम लोग हो चाहे कोई क्रिटिक भी हो, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री ने गीता पर शपथ खाई, और मुख्यमंत्री ये अक्सर कहते हैं कि गीता पढ़नी चाहिए आपके जीवन का एक दर्शन है, लास्ट कमेंट वीरेंद्र जी से भी ले लूं, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में हिम्मत बंधेगी आप, वही बात देवेंद्र, मैं गीता पढ़ता हूं, ये मुख्यमंत्री कहते वही बात से गीता की उन्होंने कसम खाकर भरोसा दिलाया, भरोसा तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक लास्ट कमेंट में वीरेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगा, क्या आस्था और जो विश्वास की बात है वो आस्था इस बार हावी नजर आएगी? जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, जो तमाम विभाग हैं जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, लास्ट कमेंट में संक्षेप में चाहूंगा आपसे। देखिए, अगर कल को विधानसभा में विपक्ष का नेता कोई आरोप लगाए, वो कह दे कि मैं गीता की सुगंध खाकर खाता हूं, तो इस तरह देखिए शासन प्रशासन इस तरह की भावुकता के आधार पर नहीं चलता। देखिए, आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रखी है, तो उसमें पहले ही आपने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रखी है, तो इसलिए ये तो अपेक्षित ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हो चाहे दूसरे भी अधिकारी हो, ये उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो संविधान की शपथ लेते हैं तो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई भावुकता ज्यादा लगता है, एक प्रसंग विशेष के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। गीता की सौगंध हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में खाई, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर विपक्ष उसके बाद निशब्द जरूर हुआ, अब आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि भावनात्मक मुद्दा है, जनता को भरोसा होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी।